पता नहीं कितना काबिल है कोची अगर आता है तो जानता कौन है रे, गया औरंगाबाद जहानाबाद आ रहा भोजपुर से कोई जानबो करता है का? शहीद के नहीं तो जिस शब्द तू नवाजते हो ना निशा उपाध्याय और अपना अनुपमा यादव को, वही तुम्हारी मैया और दादी को नवाजेगा मगहिया जवान। नमस्कार प्रणाम। आज पिछले कुछ दिन से यानी एक सप्ताह से एक बवाल देख रहे होंगे आप लोग, भोंदू राजा लगातार जिस प्रकार से इसका अश्लील प्रोग्राम करते करते, अश्लील गाना गाते गाते जिस प्रकार से इसका मन बढ़ा है, अब अश्लीलियत की हदें इतना पार कर दिया है लौंडा। ये अब शरेआम बीते दिनों निशा उपाध्याय को ऐसे शब्दों से नवाजा कि निशा जी ने कानून का सहारा लिया, FIR किया इसके खिलाफ फुलवारी शरीफ थाने में या कोतवाली थाने ऐसा कुछ पटना थाने में की थी, और उस समय इसको माफी मांगना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, थाने तक जाना पड़ा। ये लोग केवल बिजनेसमैन हैं, इसके पास ट्रॉफी है, कोई लोग पूछा रहा है। इसके बाद भी ये नहीं सुधरा, अब ये क्या कर रहा है मूर्ख, अब इस बार अनुपमा यादव को एक स्टेज प्रोग्राम के दरमियान भला बुरा इस प्रकार से कहा है ना कि आप शब्द को किसी लड़कों के साथ भी नहीं बोल सकते खुले मंच से या फिर भीड़ भाड़ा एरिया में। लेकिन इस चमन चूतिए ने ऐसा हरकत किया है कि मैं क्या बताऊं आपको, उसके बातों से आहत होकर अनुपमा यादव लाइव आती है। लाइव आने के बाद बोलती है कि अब गोलू राजा को मैं भाई नहीं मानती, अब जीवन में आपको कभी भाई नहीं बोलूंगी, इस मन से बोलती हूं। पहले भाई मानती थी और लगातार अनुपमा यादव गोलू भैया गोलू भैया गोलू भैया कर रही थी, आप स्टेज प्रोग्राम देखे होंगे पिछले दिनों। तो एक बात हम पूछना चाहेंगे रे भोंदुआ तोरा से कि अगर सामने वाला तोरा भैया बोल रहा है ठीक, तब ओकरा तुम मजाकिया रिश्ता नहीं ना बना दोगे? अरे चूतिया, अगर कोई तोरा भाई कह रहा है तो कम से कम ना उस बहन के फर्ज को निभाओ या ना निभाओ, रिश्ते को शर्मसार मत करो रे मूर्ख। मतलब क्या तरीका है तुम्हारा भाई, क्या तरीका है? पिछली बार निशा उपाध्याय को ऐसा शब्द से नवाज, हालांकि निशा जी के पिताजी भी उसी मंच उसी स्टेज पे रहते हैं, फिर भी नशे के हाल में धूत होकर इस चूतिए ने मतलब ऐसा जलील किया ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अब वो हो गया, इसके बाद अभी अनुपमा यादव कर दिया है, अनुपमा यादव लगातार भैया बोल रही है, हालांकि लाइव आने के बाद जब आहत हुई वो तो बोली है कि अब मैं गोलू राजा के साथ कभी भी भविष्य में प्रोग्राम नहीं करूंगी। हालांकि मेरी भी उनसे बात हुई, उन्होंने भी कहा जो प्रोग्राम लिए हुए हैं वो करेंगे लेकिन भविष्य में अब नहीं करेंगे जानबूझकर भी। तो ये लोग देखना चाहेंगे अनुपमा जी ना जिस प्रकार से आप चीजें आपको बेइज्जत शरेआम स्टेज के जरिए जलील करता है। महाराज बताइए, आप लड़की हैं, आप किसी घर की बेटी हो, कल बहू बनोगी तो सोचिए कि क्या इज्जत आप कमा रहे हैं। पैसा पहले भी कहे हैं कि पैसा तो वो कोठा वाले भी कमाती है, लेकिन यहाँ मैटर करता है कितना इज्जत से आप पैसे को कमाते हैं। शहीद के मतलब ऐसे शब्द और सरेआम आप विरोध कर रहे हैं, फिर भी अगले दिन लोग दिखेगा कि उसी के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। छी, मतलब शर्म आता है आप लोगों को इस प्रकार के, मतलब क्या बोलते हैं, जो धंधा बना रखे हैं ना कि कोई किसी को कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है और लोग सुन रहा है। हालांकि देखिए, चंद व्यूज और चंद पॉपुलरिटी का एक जरिया हो गया है भोजपुरी में विवाद करना। हालांकि बहुत जल्द हम बोलते हैं नहीं, लेकिन बोलते हैं तो भैया कान से तो फिर समझ रहे हैं ना कि क्या निकलेगा। इसको पता होना चाहिए भोंदुआ को, अभी एक इंटरव्यू में हमारा भी नाम लिया है कि हम इसके पुराने वीडियो को, अरे चूतिया तो किसी वीडियो में कुछ बोलोगे तो लोग उसको दिखाएगा ना, अब हमारे गाली गलौज वीडियो को हम दिए किसी और को हैं, लेकिन लोग तो उसको डालता है ना, उस चीज़ को कैसे हटाओगे तुम? पिताजी का तो तुम्हारा सोशल मीडिया या यूट्यूब फेसबुक है नहीं, अपने चैनल का मालिक भले तुम खुद हो, लेकिन चीज को सोचो, जब तू आयांश को बोले थे, हम लोग तुमको जब ट्रॉल किए तो मम्मी आके रोने लगी थी, नारी थी उनको बुरा लगा, थरे मोर के जो सामने तुम्हारा प्रोग्राम कर रही थी साथी कलिक्स जो तुम्हारी है अनुपमा यादव, वो भी तो नारी है, उसको भी तो दिल हट हुआ होगा। लेकिन तुम इसी चीज को बोल देंगे ना कि जे तुम बोले हो तो मैया को हम बोलें या बहनिया को बोलें, बुरा लग जाएगा। तो भाई सुधर, जो तुम्हारा नालायकी और नौटंकी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ना,
बहुत गर्त में एक दिन चले जाओगे। अरे मूर्ख, मतलब तोरे साथ इतना बुरा व्यवहार होता है, गोली लगता है तुमको स्टेज पे, जान बचता है किसी तरीके से लोगों को दुआओं से, और फिर भी यार इस प्रकार की हरकत मतलब समझ में नहीं आता है, समझ के परे है। अरे भाई गायकी करना है गायकी तुम करो, इस ससुरा खुद के तुर्रम खान समझ लेता है, बताइए ना कि जी हम है ना भोजपुरी के हम जन्म जाता ही समझ लेता है, पता नहीं कितना काबिल है कोची अगर आता है तो जानता कौन है रे, गया औरंगाबाद जहानाबाद आ रहा भोजपुर से आगे कोई जानबो करता है क्या, मैंने जानता है तो बताओ। मूर्ख वाली हरकत मत कर, कुछ बेहतर का आगे करना यार। गाना तुम्हारा कौन सा गाना है भाई जो बिलियन में मिलियन में बजता है, बताओ एक आध गाना का नाम। ससुरा 14,000 15,000 20,000 सुन लिया तो खुद को तुम स्टार समझ गए। अरे स्टार बनना है तो मेहनत करके बन बाबू, ये क्या बोलते हैं नौटंकी और नशेबाजी और नशेड़ीगिरी करके मत बन। और आइंदा आज लास्ट वार्निंग दे रहे हैं तुमको ना, ये नौटंकी जो तुम लड़कियों के साथ करते हो ना, मगहिया जमाने बता रहे हैं ना, लड़कियों के साथ जलीलियत बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। आज तुमको शांति समझाने आए तो शांति से बस समझ जाना, हम इतना ही कहेंगे। बाकी नेक्स्ट टाइम आए तो अभी मम्मी रोई थी, अभी दादी भी तोरा के रो लेगी, समझे कि नहीं। अरे मूर्ख नारियों का सम्मान और इज्जत करना सीख ले, और तुमको बेहतर करना है तो विवाद में रह के नहीं, कुछ बेहतर करके बेहतर करो ना यार, क्या ड्रामा कर रहे हो बताओ। बाकी देखिए और वीडियो खूब शेयर कीजिए, और थोड़ा इसको बता दीजिए कि आज मगहिया जमाना किस बार तुमको समझा दिया है, नहीं तो जे शब्द तू नवाजते हो ना निशा उपाध्याय और अपना अनुपमा यादव को, वही तुम्हारी मैया और दादी को नवाजेगा मगहिया जवान, फिर कैसा लगेगा बताना। और फिर मम्मी आके रोएगी तो बताएंगे कि बेटवा से नहीं पूछे ससुरा, मतलब कुछ भी यार। बाकी देखिए और वीडियो खूब शेयर कीजिए, हम विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार प्रणाम, जय मगध जय बिहार।